हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी जो DHS का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, और ये जो गिवन आपको दिख रहा है ये फिगर, ठीक है ना, यहाँ बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन AB, यानी ये हो गया AB लाइन एंड देन CD, ये हो गया CD, ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, O पे कर रहा है, ठीक है। इफ अ कंडीशन दे दिया हुआ है x = 3y, और ये हो गया ऑप्शंस, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है कि एंगल वाई, यानी ये जो है ना एंगल वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखोगे सबसे पहले ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं एक पॉइंट पे, तो सारे का सम कर दो तो कितना होता है 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल, यानी x + y = होगा दोस्तों 180 डिग्री, क्लियर। तो देखोगे x = क्या बोल रहा है, 3y है, तो इस x के प्लेस में हम 3y लिखेंगे ऐसे, और ये हो गया y = 180। सो 3y + y यानी 4y = 180। अब इस 4 से 180 को कैंसिल करेंगे क्योंकि 4 तो नीचे जाएगा, है ना, तो ये कितने बार में जाएगा भाई, 45 बार में जाएगा। तो y = क्या मिला, 45 डिग्री, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ देखोगे ये भी हमारा गिवन फिगर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ठीक है, यानी मीट कर रहा है इस पॉइंट पे O पे। अब यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये एंगल, तो इस एंगल का वैल्यू आपको गिवेन है, यानी एंगल AOC दे दिया हुआ है 68 डिग्री। देन आपसे पूछ रहा है कि BOC का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स एंगल X का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस अभी जो हम लोग किए हैं सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में एंगल है ना। तो ये हो गया x + 68 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x = 180 - 68 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 12, और इधर हो गया 100, यानी 112 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे 112 डिग्री ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखोगे यहाँ दिया हुआ है कि एन एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों कि कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्चुअली होता क्या है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं एक एंगल अगर एक्स है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 - x होगा, 90 - x। मान लो अगर ये 30 है तो 90 - 30 कितना हो गया 60, और 30 + 60 कितना हो गया 90 के बराबर, यानी दोनों क्या है 30 और 60 कंप्लीमेंट एंगल, क्लियर हो गया। तो अब देखोगे यहाँ बोल रहा है कि एन एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट एंगल। मान लो अगर एंगल x है और ये x जो है, अब ये जो कंप्लीमेंट एंगल से कितना ज़्यादा है 24, यानी +24 डिग्री, यानी आपका जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और आपसे पूछ रहा है मेजर ऑफ एंगल, यानी एंगल हम लोग एंगल क्या है एज्यूम कि x, यही है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखोगे ये माइनस इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x, 90 + 24 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4, 9 = 11, यानी 114। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5, और ये हो गया 14, यानी 7 × 10 = 57। सो आंसर हो जाएगा दोस्तों एंगल 57 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 21, तो व्हाट आर द नंबर्स। तो यहाँ देखोगे कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, अगर x है तो दूसरा क्या होगा x + 1, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शंस देखेंगे और आपसे पूछ रहे नंबर्स, यानी दो दो ऑप्शंस देखोगे, ये दो है ये दो, यानी AB CD ये ऑप्शंस। तो अगर मान लो अगर एक 2 है तो नेक्स्ट क्या होगा 3 होगा, ये होगा। अगर कोई अगर 5 है तो नेक्स्ट क्या होगा 6, तभी तो होगा ना। तो अब देखोगे यहाँ 10 है, ऑप्शन से आंसर को निकालेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए कर सकते हो। डिफरेंस बोला है स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, बड़ा ये है, यानी x + 1 का होल स्क्वायर -x² = 21, ये कर दोगे आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन को मैं आंसर विद इन सेकेंड ऑप्शन के थ्रू निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। देखो ये 10, 11 ये आंसर हो सकता है क्योंकि कंसेक्यूटिव है, 11, 10 ये तो कंसेक्यूटिव तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो नीचे हो जा रहा है ना, 11 के बाद तुम्हारा 12 आना चाहिए था, तो ये भी गया। 12, 9 ये तो कंसेक्यूटिव है ही नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 8 और 13 ये तो कंसेक्यूटिव ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, सो आंसर यही होगा।
आप चेक भी कर सकते हो, 10 का स्क्वायर करो ये हो गया 100, 11 स्क्वायर 121, 121 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 21, क्लियर हो गया। इसे भी सॉल्व करोगे तो भी आपको 20, सो 10 और 11 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ बोला है सीपी, सीपी मीन्स हो गया दोस्तों कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि गेन परसेंट क्या हो गया, ओब्वियसली गेन नहीं होगा क्योंकि 18 आर्टिकल को खरीद रहा है कॉस्ट प्राइस यानी खरीद रहा है और उसे सेलिंग कर दे रहा है 15 आर्टिकल को सेल कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी हमारा क्या है 3 आर्टिकल तो बच ही रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो कैसे करेंगे देखोगे, इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे निकालेंगे देखोगे। 18 आर्टिकल सीपी, तो हम लिखेंगे इसको 18 सीपी दैट इज इक्वल्स टू बोल रहा है ना, सो इक्वल टू हो गया, अब ये हो गया 15 आर्टिकल एसपी, सो 15 एसपी, और यहाँ से क्या करेंगे सीपी बाई एसपी करो या फिर एसपी बाई सीपी करेंगे, क्लियर, डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया एसपी नीचे आया, तो यहाँ ऊपर है 15 और ये 18 हो जाएगा नीचे, छोटा कर लेंगे या फिर कर लो या फिर बाद में भी तो करना ही पड़ेगा, तो अभी कर लेते हैं। 3 से हो गया 5, 3 से हो गया 6, सो 5 बाई 6 मिला। अब देखो सी पी ऊपर है तो ऊपर वाला ऊपर को लेंगे, नीचे वाला नीचे का वैल्यू एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सी पी हो गया 5 रुपीस, एस पी हो गया 6 रुपीस, एस पी अगर बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली एस पी बड़ा है आपका प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा क्या करेंगे हम लोग, एस पी माइनस सी पी करते हैं, सो 6 माइनस 5 करोगे यानी 1 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो 1 हो गया प्रॉफिट, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, हमेशा नीचे होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 5 इंटू परसेंटेज में लेना है 100, ये हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज, 5 से कैंसिल करेंगे ये हो गया 20, सो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%, ऑप्शंस में देखोगे 20% हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, यहाँ बोल रहा है कि द डिजिट इन द यूनिक प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, अब ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऑप्शंस है और ये आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट प्लेस को अगर हम लोग यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद यानी प्रोडक्ट करने के बाद जो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 7 है, 7 को 5 से इंटू करेंगे, 7 5 35 लेंगे क्योंकि 35 लिखते हैं 5 लेंगे, यहाँ तक 5 मिला, फिर 5 से 8 को इंटू कर देंगे, 8 5 40, देखो 40 आ गया ना, अब तो मिला 0 से इंटू करना 3 को तो 0 ही आएगा, 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, सो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट हो जाएगा 0 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो अभी जो DHS का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी होंगे आसाम गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।